तो चलो दोस्तों, वापस से आपका भाई लेके आ चुका आपके लिए एक बढ़िया वीडियो। तो फर्स्ट मैं बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि यार नहीं, हमारा नहीं हो रहा है, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वीडियो अंदर मैं आपको वन बाय वन यानी कि जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो से लेकर लास्ट तक मैं आपको सच बताऊँगा। इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी बनेगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखना ज़रूर ताकि आपको एटलीस्ट सारी चीज़ें समझ आ जाए। आप अगर मेरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका 99% आपका हो जाएगा, 99 भी नहीं 100% ही हो जाएगा, ठीक है। तो सारा वीडियो के अंदर जितना भी प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट देखना, कम से कम 8-9 मिनट का वीडियो होगा, बट आप कम से कम 4 मिनट तो कंप्लीट देखना। ओके, तो वीडियो को लाइक वगैरह भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एमटी के अंदर आते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, फर्स्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड पे जाते हो, एंड्रॉइड में जाने के बाद आपको डाटा में जाते हो, डाटा में जाने के बाद आपको ढूंढना पड़ता है डीएल क्रिएट 24। जैसे कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है डीएल क्रिएट 24, यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ सिस्टम आता है। ओके, ये वाला सिस्टम आते ही मेरा सारा काम खत्म हो जाता है और यहाँ पे मुझे क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम यह आ रही है दोस्तों कि सब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एमटी मैनेजर के अंदर एक्सट्रैक्ट होने में प्रॉब्लम यह हो रहा है ना दोस्तों। मैं बताता हूँ, वेट रुको, मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार किस तरफ है, ये वाला, ये रहा डीएल के 24 का पैच। अब इसको मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आ रहा, यानी कि एक्सट्रैक्ट हो नहीं रहा। अभी इन चीजों का ही हम सॉल्यूशन देखने वाले, तो अभी जब जो प्रोसेस होगा वो प्लीज लास्ट तक देखना, ठीक है। मतलब वीडियो बीच में बंद करके जाओ तो फिर वापस आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं यार हमारा नहीं हुआ, ये हमारा नहीं हुआ। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपरली देखना होगा सारी चीजें। ओके, तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बैक जाना है, जितने भी एप्लीकेशन यूज होने वाले सारे के मैंने लिंक दे दिया आप लोगों को, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको सिजुको ऐप पे आ जाना है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको सेकेंड आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको यूज करना है किसी का वाईफाई या फिर आपका खुद के पास वाईफाई है तो ओके, नहीं तो किसी का एक बार के लिए हॉटस्पॉट ले लेना, नेट की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ हॉटस्पॉट ले लेना, किसी का बंद पड़ा फोन हो तो भी हॉटस्पॉट ले लेना, ठीक है। तो स्टार्ट पे क्लिक करना है, डेवलपर ऑप्शन पे जाना है, पहले पूछ रहा है कि डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन करना होगा, तो मैं ऑन कर लेता हूँ फटाफट जाके। अगर किसी को नहीं पता है डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन होता है, तो बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार क्लिक करना पड़ता है, बिल्ड नंबर आपको कहाँ मिलेगा, अबाउट फोन में देखने को मिल जाएगा। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आया, मेरे पास तो वीवो का फोन है इसलिए वीवो IQ का फोन है ऑफकोर्स, तो उसमें आता है, बाकी फोन में आप देख लेना। ओके, ये कंप्लीट करने के बाद आपको वापस इंटू को भी जाना है, कैंसिल करना है, वापस स्टार्ट पर क्लिक करना है, डेवलपर ऑप्शन पे जाना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वायरलेस डीबगिंग, देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके आपको ऑन कर देना है, फिर बैक जाना है, ये स्टार्टर का ऑप्शन आएगा, इसको आपको कट कर देना है सिंपली। उसके बाद जाना है पेयरिंग पे, वापस आएगा डेवलपर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, नीचे आना है, इस बार आपको लेफ्ट साइड पे देखो ये बीच का लिखा हुआ ना वायरलेस डीबगिंग, डीबग मोड व्हेन वाईफाई इज कनेक्टेड, तो इस पर क्लिक करना है आपको, ये एरिया टच मानता है, मतलब होता है ना क्लिक मानता है, इस पर क्लिक करना, नीचे आया है पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 कोड देखने को मिलता है, ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा इंटर पेयरिंग कोड, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखोगे 530951, ये मेरा कोड आया, आपका कोड अलग आएगा, हर बार आपका कोड अलग ही आने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, पैक करोगे पैक करोगे पैक करोगे, तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ सिस्टम देखने को मिल जाएगा, इसको कट कर देना है, पैक कर देना है। इस बार जाना है आपको जेड आर्चीवर में, डाउनलोड पे जाना है, मेरा डाउनलोड पे ही ऑफकोर्स, तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये वाला, इस पर आपको सिंगल क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऐड करना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो रिप्लेस हो जाए, ये एरर के साथ ही होगा, तो प्लीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ये एरर के साथ ही होता है, तो ओके पर क्लिक कर देना, पैक कर देना, जेड आर्चीवर का काम हो गया। एमटी मैनेजर में आ जाना, आपको यहाँ पे जो भी मतलब देखने को मिले आप डाउनलोड पे जाना वापस, और आपने जहाँ भी उसको एक्सट्रैक्ट किया है, जहाँ भी जिस फोल्डर में भी, उस फोल्डर में आ जाना, मैंने इसमें किया है, ये मेरा आ चुका है, यहाँ पे लेफ्ट साइड का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें जाना है आपको राइट साइड में एंड्रॉयड, ओके, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है डाटा फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है, देन आपको जाना है फाइल्स के अंदर,
जो मतलब वहां पे इशू आ रहा था वो इशू अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। फाइल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली जो आपने डाउनलोड के अंदर निकाल के रखा था ये वाला फाइल, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इसको यहाँ पे कॉपी करना है, ओके करना है। नीचे वाला अप्लाई टू सब्सिक्यूट कॉम्प्लिकेट ऐसा कुछ लिखा आएगा, वो कॉपी एंड रिप्लेस पे क्लिक करके आपको ये सब करना है और आपका काम इधर हो गया। यानी इतना ही सब करना है आपको। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको करना है जेड आर्काइवर में जाना है, वहां पे जाके फाइल को एक्सट्रैक्ट करके छोड़ देना है। देन आपको जाना है सिजुको ऐप के ऊपर, वहां पे आपको डेवलपर ऑप्शन वगैरह करके सारा काम करके जो मैंने प्रोसेस था वो प्रोसेस के साथ जाना है। देन आपको एफडीए मैनेजर पे आना है और वहां पे ये सारा काम करना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है लोगों का कि हमारा गेम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, अभी गेम के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल लाइव जा रहा हूँ, मतलब लाइव के तरीके पे कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको आंखों के सामने कर रहा हूँ। खुद ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब खुद कर लेता हूँ उसके बाद वॉइस ओवर करूँगा, ना ना ना, आपके साथ में कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आप पे काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो बताता हूँ मैं। फर्स्ट यहाँ पे अपना काम हो रहा है, गेम चालू है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रुको यार मुझे साउंड कम करना होगा, नहीं तो इस पे साउंड ज़्यादा आएगा, फिर मेरा साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने कर दिया अभी ऑफ। अब भी देखो काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा, अभी पहले तो मैं क्विक प्ले में दिखा देता हूँ कि मुझे जर्सी शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। आपकी आंखों के सामने जर्सी आ चुका है, ये देख लो जर्सी आ चुका है। देन अभी क्या करना है, काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम ही आ रहा है कि हमको जर्सी शो नहीं हो, तो आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है, क्वालिटी पे जाना है, मीडियम बैलेंस पे रखना है आपको, ठीक है। नीचे मीडियम पे, ऊपर बैलेंस पे, ये ही रखना है, इससे ऊपर मत करना। मेरा हाई पे भी हो जाता है बट मैं नहीं करूँगा, मेरा यहाँ पे बैलेंस और मीडियम पे ही परफेक्ट रहता है, सही है। इस पे आपको जर्सी शो हो जाएगी। अब काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हमें प्रोफाइल कैसे चेंज करें, हमारा आईडी बैन हो चुका है। तो उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्लीज़ अपना आईडी जो मेन आईडी है वो यूज़ मत करना। तो यहाँ पे आपको साइन आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आपका मेन आईडी पहले उसको साइन आउट कर लेना, ओके यस कर देना। इधर ये पूरा गेम बैक चला जाएगा, अभी देख लेना, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। लॉग इन जाओगे, लॉग विद गूगल, अभी बोल रहे कि हमारा अकाउंट कैसे चेंज होगा, तो इस पर नीचे क्लिक करना, यहाँ पे आपको सारे अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, आप कौन से पे क्लिक करना चाहते हो वो आपके ऊपर चॉइस है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को कर लेना, कोई भी, जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा ये हो जाएगा। कोई भी अकाउंट अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो वो अकाउंट आप लॉगिन कर लेना, नहीं तो आपका आईडी बैन हो सकता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बस यही सारे सॉल्यूशन प्रॉब्लम जितने भी थे मैंने आपको सारा A to Z बता दिया, ओके। तो बस ये था आज की वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने A to Z फिर से बताई हुई है, ओके।